यहाँ पे आपको ऊर्जा स्तर आरेख, ऊर्जा स्तर आरेख को देखने के पहले आपको सबसे पहले तो एक सूत्र सीखना होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, सिग्मा बन एस छोटा है सिग्मा स्टार बन एस से, और छोटा है सिग्मा टू एस, छोटा है सिग्मा स्टार टू एस, छोटा है पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, छोटा है सिग्मा टू पी जेड, छोटा है पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई, छोटा है सिग्मा स्टार टू पी जेड। इस सूत्र को आपको सीखना है, तो इसमें आपको देखना है बन एस का एक, यदि एस ऑर्बिटल बनता है तो इतना इतने सूत्र का उपयोग किया जाता है, यदि टू एस तक वो चला जाता है आपका, तो फिर जो आपका सूत्र उपयोग होता है वो आपका इतना उपयोग होगा सिग्मा स्टार टू एस तक जाएगा, और यदि पी ऑर्बिटल आ जाता है तो फिर आपको लास्ट तक सिग्मा स्टार टू पी जेड तक लगाना होता है। पूरा पढ़ेंगे आप इसे, सिग्मा बन एस छोटा है सिग्मा स्टार बन एस छोटा है सिग्मा टू एस छोटा है सिग्मा स्टार टू एस छोटा है पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई छोटा है सिग्मा टू पी जेड, छोटा है पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई छोटा है सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये हो जाएगा आपका सूत्र। सूत्र देखने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी तत्व को, तो हम तत्व के रूप में किसको ले रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिख लें या फिर हम लिख लें नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एन टू अणु का देख रहे हैं ऊर्जा स्तर, एन टू अणु माने नाइट्रोजन। इसमें आपको चार चीजें आनी चाहिए, एक तो एन टू माने नाइट्रोजन आपका आया है, तो नाइट्रोजन में हमें यह आना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और फिर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। उसके बाद एक सूत्र लगाया जाता है, जैसे हम बंधन क्रम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बंधन क्रम बराबर क्या होता है आपका एन बी माइनस एन ए बटे में क्या हो जाएगा आपका दो। तो इसको भी हम देखेंगे, ये आपका सूत्र हम जब लगाएंगे, जब आरेख बना लेंगे, तो सबसे पहले आपको क्रम से करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिया गया एन टू अणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, तो एन टू अणु यहाँ पे हमने लिखा एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सात होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा दो पाँच हो जाएगा, कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ये हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने दिए गए हैं दो दिए गए हैं, तो फिर से हम नाइट्रोजन लिखेंगे एन, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होगा सात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका दो पाँच होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे वन एस टू, यहाँ पे आप लिख देंगे टू एस टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू पी थ्री। इतना बनाने के बाद आपको क्या मालूम चला कि एक एस ऑर्बिटल बनाना है आपको, एस की आकृति बनानी है, पी की बनानी है वन एस की टू एस की और टू पी की, तो साइड में हम बनाएंगे आकृति ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ये ऊर्जा स्तर आरेख को शो करेगा, इसके साथ हम तीरगर्चन कहाँ पे लगा देंगे ऊपर की ओर, और इस ऊर्जा स्तर आरेख को कभी भी आपको ऊपर से बनाना स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से आप बनाएंगे। सबसे पहले किसकी संरचना बनाएंगे वन एस की, वन एस की जो संरचना होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये आपकी वन एस की संरचना हो जाएगी, यहाँ पे यह किसकी संरचना बनी हुई है वन एस की। जैसी संरचना आपकी वन एस की होती है, ठीक उसी प्रकार की संरचना किसकी होती है टू एस की भी होती है, तो यहाँ पे हम किसकी संरचना बना लेंगे टू एस की, ऐसी संरचना आप यहाँ पे टू एस की बना लेंगे, तो ये आपकी टू एस की संरचना हो जाएगी, ये वन एस और टू एस की संरचना हो जाएगी। अब हमें कहाँ तक जाना है टू पी तक, और पी में ऑफकोर्स कितने होते हैं आपके तीन, कितने होते हैं तीन, तो यहाँ पे आपको पी का बनाना है, तो यहाँ पे आप बना देंगे एक, पी के बन गए तीन, यहाँ से आप चाहेंगे
यहाँ पे आप बना लेंगे के ऊपर आपका ये एक और हो जाएगा और इसके नीचे भी आपका ये एक और हो जाएगा। ये जो आपकी संरचना बनी हुई है, अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया 1s और ये क्या किया 2s और 2p, तो इसके नीचे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1s, यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे 1s, बस अभी कुछ नहीं लिखना है इसमें। इसके बाद आ जाएंगे 2s, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2s और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2s। अब क्या दिया गया 2p, तो एक नाइट्रोजन का 2p ये हो जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन का 2p ये हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरने के पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सूत्र को लिखेंगे। सूत्र आपका क्या था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब बराबर हैं दोनों, एक साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई 2px, बराबर में है तो समान ही बने हुए हैं, पाई 2py, और यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा 2pz, ये भी बराबर में बने हुए हैं, तो पाई स्टार 2px, और यहाँ पे हम लिख देंगे पाई स्टार 2py, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सूत्र लिख दिया, अब हमें देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन, बने इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, दो। दूसरे के बने इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, तो यहाँ पे भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दो। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, दो को। दूसरे 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, तो यहाँ पे भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दो। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, तो प्रत्येक उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। दूसरे 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अब बस, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये 1s का दिया गया है, ये भी आपका 1s का दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा आपका और एक इलेक्ट्रॉन इस 1s से निकलेगा, कहाँ पे चला जाएगा, सिग्मा 1s में। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है वो किस में चला जाता है आपका, सिग्मा स्टार 1s में, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा। अब आ जाए 2s में, यही प्रोसेस यहाँ पे होती है, एक इलेक्ट्रॉन एस 2s का निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एस 2s का कहाँ पे चला जाएगा, सबसे पहले सिग्मा 2s में। एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेष बचा हुआ है ये कहाँ पे चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में। अब आ जाए 2p में, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा 2p से, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो सबसे पहले किस में चला जाएगा आपका, पाई 2px में। फिर एक इलेक्ट्रॉन बाई का फिर निकलेगा, यहाँ पे भी 2p बाई का निकलेगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, पाई 2py में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक चले जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन 2pz का ये बचा हुआ है और 2pz का ये बचा हुआ, तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, सिग्मा 2pz में। अब तो इलेक्ट्रॉन शेष है नहीं, ये सभी इलेक्ट्रॉन हमने 1s के भर दिए, 2s के भी भर दिए और 2p के भी भर दिए। अब यहाँ पे हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है, आपका एक जो सूत्र कार्य करता है, यहाँ पे हम देखेंगे BO, बॉन्ड ऑर्डर यानी बंधन क्रम बराबर होता है आपका Nb-Na/2। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, एन बी माने जिनके साथ स्टार के चिन्ह नहीं लगे हुए हैं और एन ए माने जिनके साथ स्टार के चिन्ह लगे हैं। तो यहाँ पे देखें एन बी का मान देखें, जितने भी संरचनाएं हैं जो नीचे नीचे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब हमें 1s 2s 2p से मतलब नहीं है, अब हमें केवल कहाँ की संरचना देखना है, जहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, केवल वहाँ के हम इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे। तो बिना स्टार वाले देखें, 1s स्टार का चिन्ह नहीं लगा, दो इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, 2s दो इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, और 2p के 2px के 2py के और 2pz के टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे Nb का मान आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस Na माने जिनके साथ स्टार के चिन्ह लगे हुए हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s, चार इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपके खाली दिए गए हैं, तो एन ए का मान कितना रख देंगे 4, अपॉन में कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, बराबर कितने बचेंगे 6, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर का मान 3। बी ओ बराबर आपका कितना आ गया है 3 आ गया है, इससे आपका क्या स्पष्ट होता है कि बी ओ बराबर 3 माने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के माध्यम क्या पाया जाता है 53 बंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है 53 बंध पाया जाता है, या बंध यानी बॉन्ड वही तो है, आपकी क्या हो जाएगी N2 अणु का क्या हो जाएगा ऊर्जा स्तर आरेख हो जाएगा।